हेलो बच्चों, हेलो सर। कैसे हैं आप? अच्छे। आज हम करेंगे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन। लेसन का नाम है आज भी कल भी। ठीक है, इससे पहले हमने इसका एक पार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से और सीएनजी से हमारी गाड़ियाँ चलती है ना, और ये एक सीमित संसाधन है हमारे पास, है ना। तो इसीलिए हमें पेट्रोल और डीजल को मतलब ऐसे ही ख़राब नहीं करना चाहिए। जब इसकी ज़रूरत हो तभी हमें किसी साधन के ऊपर कहीं इधर उधर जाना चाहिए। और आज हम करेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सड़क सुरक्षा। ठीक है, यातायात के नियमों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें आएंगी उसको अंडरलाइन कर लोगे आप और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुरक्षित घर पहुंचे। पंकज और उसके पापा बाइक से जा रहे थे कि उसका ध्यान सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर गया। पंकज कहता है, पापा इस बोर्ड पर 50 क्यों लिखा है? आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर लिखा है? यस सर। 50 गति सीमा। पापा कहते हैं, इसका मतलब है कि इस सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड से वाहन नहीं चला सकते। ठीक है, कोई भी आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो या बस लेके जा रहे हो या गाड़ी लेके जा रहे हो, उसकी जो स्पीड है ना, जो गति है उसकी एक सीमा है 50, यानी कि 50 की स्पीड से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। समझ आया? यस सर। इस सड़क पर बहुत भीड़ रहती है, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा है? यस सर। अब इस पोस्टर में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, है ना, और उधर बाइक पर है एक आदमी और हेलमेट लगा रखा है सिर पे, है ना। Yes. और इधर जो ये जेब्रा क्रॉसिंग, बच्चे और जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो क्रॉस कर रहे हैं, है ना। और yes. उधर आदमी देखो फुटपाथ पर चल रहे हैं, है ना। और क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? ये क्या है? लाइट। इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल, है ना। इसमें तीन बत्तियां होती है ना, कौन कौन से रंग की होती है? लाल, पीली, और ग्रीन। ठीक है, या हरी। लाल बत्ती अगर ऑन हो तो क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। यस। और अगर हरी बत्ती हो तब चलना चाहिए। और येलो जो पीली बत्ती है वो चलती है तो क्या होता है? पीली बत्ती का मतलब है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, चलो अब इस पोस्टर को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। ठीक है, सड़क पर रहें सतर्क व सावधान, अपना और दूसरों का बचाव करें। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक बने, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। तो यहाँ पर ये 5 नियम दिए गए हैं, ट्रैफिक नियम जो है कि हमें गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, ठीक है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिसे हम अपना और दूसरों का बचाव कर सकें। तो सबसे पहला क्या है? दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने। दुपहिया वाहन क्या होते हैं? दो पहियों वाले। क्या होते हैं दुपहिया वाहन? दो पहिये वाले, जिसको टू व्हीलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति बाइक चलाता है या साइकिल चलाता है या स्कूटर चलाता है, ठीक है, उनको हमेशा सिर पर क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठे। कितने से अधिक? 2 से अधिक। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। किसका प्रयोग ना करें? मोबाइल का। क्यों ना करें? क्योंकि मोटरसाइकिल से और गाड़ी कोई सी भी हो उससे टक्कर लग सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और बीच में बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है और हम किसी से टकरा सकते हैं, है ना। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ठीक है, गाड़ी जब चला रहे हैं तो उसमें जो सीट बेल्ट होती है ना, बेल्ट के ऊपर देखिए आपने कभी सीट बेल्ट? यस। तो वो लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी
मान लो कोई आप गाड़ी में किसी की टक्कर लग गई तो सीट बेल्ट हमें गाड़ी से बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है, ताकि हमारे शरीर में कोई भी नुकसान ना हो। निर्धारित गति सीमा में और अपनी लेन में वाहन चलाएं। निर्धारित गति सीमा ये क्या होती है, हमने जो अभी लेसन में देखा था ना, वो इस पे लिखा था गति सीमा 50, ठीक है। तो ऐसे ही हमें मिलता है जितनी स्पीड तय की गई है, जितनी भी गति सीमा तय की गई है, निर्धारित की गई है, उतनी ही स्पीड में हमें बाइक चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। कोई भी हम बाइक है, स्कूटर है या गाड़ी है, निर्धारित गति सीमा में ही वो चलाना चाहिए और अपनी ही साइड में चलानी चाहिए, ठीक है, हमेशा बाईं ओर ही, किस ओर, बाय हो। बाईं ओर, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रैफिक नियम, आगे देखते हैं इसमें लेसन में क्या है। सोचो और कॉपी में लिखो, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। अभी हमने इसके नियम पढ़े थे ना, क्यों पहनना चाहिए, ताकि दुर्घटना की स्थिति में सिर का बचाव हो सके। यस, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे हमारे सिर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम हेलमेट सिर के ऊपर पहनना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने से दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए। ताकि दुर्घटना की स्थिति में गाड़ी में बैठे लोगों को चोट कम से कम लगे। हाँ ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो सकता है यदि मोटरसाइकिल पर तीन या चार व्यक्ति सवार हों। मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ सकता है तथा दुर्घटना भी हो सकती है। यानी कि अगर दो से ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे तो जो मोटरसाइकिल का या स्कूटर का बैलेंस है ना, संतुलन बिगड़ सकता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमें मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो से ही व्यक्ति से काम चलाना चाहिए, दो से अधिक न बैठाएं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन क्या है, वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कोई पांच नियम लिखो। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने। और क्या है, स्कूटर व मोटरसाइकिल पर दो से अधिक व्यक्ति ना बैठे। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। निर्धारित गति सीमा में और लेन में वाहन चलाएं। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। इसके आगे है, क्या कहते हैं संकेत, पढ़ते हैं इसको, क्या है इसमें। पंकज को याद आया कि उसके स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, तब एक ट्रैफिक सिपाही ने सड़क संकेतों और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया था। नीचे कुछ सड़क संकेत दिए गए हैं, इन्हें समझो, ठीक है। तो जब सड़क पर हम जाते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार के संकेत लगे होते हैं, है ना, और उन संकेतों को यहाँ पर बताया गया है। इनमें से देखो, अगर आपको कहीं पर भी ये संकेत दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आदमी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दिखाया ना, एक आदमी ने कुछ उठाया हुआ है, वह कुछ खोद रहा है, तो अगर ये संकेत आपको कहीं दिखाई दे तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि सड़क के ऊपर आदमी काम कर रहे हैं। अब ये दूसरा सिग्नल देखो, इसमें क्या है, इसमें इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। ये हॉर्न के ऊपर निशान लगा रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हॉर्न बजाना है ना, जो गाड़ी का बाइक का हॉर्न जाते हैं ना, वो बजाना मना होता है। और अगर ये वाला सिग्नल आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, पैदल पार पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा, अगर ये कहीं लिखा, ये साइन अगर आपको लगा मिले तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पैदल आप जा सकते हैं, ठीक है।
आगे है ये दो सिग्नल और देखो, अगर आपको कहीं ये सिग्नल दिखाई दे, पेट्रोल पंप का निशान है ना ये, ठीक है, तो जैसे आगे पेट्रोल पंप है, ये निशान आपको दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ये लगा होता है, इसका मतलब क्या है, आगे पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप के बारे में बताता है। और अगर आपको ये कहीं ये निशान दिखाई दे, ठीक है, ये किस चीज़ का है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको ये निशान दिखाई दे तो समझ लेना कि वहाँ पर मेडिकल कोई सेंटर है, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में ये सिग्नल आपको दिखाई देंगे। अब क्या करना आपको, ऊपर दिए गए सड़क संकेतों के अतिरिक्त तुमने और भी सड़क संकेत देखे होंगे, अपने अध्यापक की सहायता से कुछ सड़क संकेत अपनी कॉपी में बनाओ और उनके अर्थ लिखो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही लेसन करेंगे, ठीक है, ये सब आपने होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है, ट्रैफिक नियम जो बताए गए हैं उनको लिखना भी है कॉपी में और याद भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।